अरे फ्रेंड्स, ये हम ऐसे डालने नहीं जा रहे हैं। आप लोग मत सोचिएगा कि मैं ऐसा समूचा ही डाल के पीस लूंगी। इसको अभी हम करेंगे कट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कट कर लिया है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा, मेरे यूट्यूब चैनल नेहा स्वीट फैमिली ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है। तो देखिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ बीट रूट का पराठा, और ये साथ में इसके भी रहेगा, ये मेरी पालक का पराठा रहेगा। तो ये पालक भी मैंने देखिए धुल के इसको अच्छे से साफ कर लिया था पूरा, और धुल के रख लिया है। और ये बीट भी मैंने इसको छिलके इसके निकाल दिए थे, और इसको देखिए धुल लिया है। और अभी इसको मैं पीसेस कट करूँगी, और मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ठंड के मौसम में हमें लीफी वेजिटेबल्स का यूज़ करना चाहिए। और बच्चे तो ख़ास तौर से, आप भी जानते हैं कि साग, मतलब अभी ये जो लीफी वेजिटेबल्स है उसको हम बनाते हैं तो साग ही बोलते हैं मेरे यहाँ। तो अभी आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, क्योंकि सब जगह अलग अलग होता है। तो मेरे यहाँ तो इसको साग बोलते हैं, जैसे सोवा मेथी पालक को मिक्स करते हैं, या बथुआ सरसों मिक्स करके बहुत चीज़ें बनाई जाती हैं तो उसको साग बोलते हैं। लेकिन बच्चों का अगर कहे तो क्या साग बनाए, तो फिर देखिए सबके मुंह फूल जाते हैं कि साग बनाया है। लेकिन अगर ऐसा हम पराठा बना देंगे और या तो पूड़ी बना देंगे तो बहुत ही खुश हो जाते हैं मेरे यहाँ। तो मतलब इसको मैं ऐसा बोलती भी नहीं हूँ कि मैंने पालक का बनाया, मैं बोलती हूँ ग्रीन पूड़ी है, वो रेड पूड़ी है, और वाइट पूड़ी तो कलरफुल, उनको टिफ़िन में भी देने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है फ्रेंड्स। मतलब बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं कि आज तो मेरे टिफ़िन में कलरफुल है। और आप समझ सकते हैं कि कितना ये हेल्दी होता है बीटरूट। अगर किसी को ब्लड की कमी है, खून की कमी है, तो उसके लिए भी बहुत ही हेल्दी है। तो ये ओरिजिनल सोर्स हमको मिल जाता है और इतना टेस्टी लगता है फ्रेंड्स कि आप लोग विश्वास करिए, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इसको ज़रूर बनाइएगा। तो मैंने सब रख लिया है, देखिए मैंने बीट को भी कट कर लिया है, मैंने इसको बॉईल नहीं किया है, ये हमारा कच्चा ही है। तो और मैंने लहसुन भी, ये गार्लिक को भी छील कर रखा हुआ है, ये मैंने अदरक ले लिया था, ये चिलीज भी धो लिया है। चिलीज को भी हम सब पीस लेंगे, तो इससे क्या होगा बच्चों को, मतलब वो तीखापन नहीं आता कि चिलीज जीभ के नीचे आता है तो थोड़ा ज़्यादा तीखा लगता है। तो थोड़ा टेस्ट के लिए हम चिली डालेंगे। अगर बच्चा बिल्कुल भी नहीं खाता है तो आप चिली स्किप कर दीजिएगा। तो देखिए बने रहिए, पहले मैं बीट को ही पीस लेती हूँ सबसे पहले जार में डाल के, आधा आधा पीसती हूँ, पूरा नहीं आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो मैंने पीसा था बहुत ही स्मूथ, मैंने मतलब पेस्ट को करना है क्योंकि ये मैंने बॉईल नहीं किया था, कच्चा ही मैंने पीस लिया है। तो इसको बहुत ही अच्छे से मतलब पीस लीजिए कि इसकी गुठलियाँ ना रह जाए। और ये मेरा फर्स्ट बैच था, ये मेरा इतना देखिए बचा हुआ था, तो वो भी मैं अभी इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी। और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा गार्लिक लूँगी, ये मैंने दोनों के लिए ले लिया था कि पालक के साथ भी थोड़ा पीस लूँगी और थोड़ा इसके साथ भी पीसूँगी। एक चिलीज मैं डालूँगी इसमें हाफ हाफ करके, और थोड़ा सा अदरक का स्लाइस मैं थोड़ा सा डालूंगी, क्योंकि वो ज़्यादा था, ये थोड़ा कम था तो मैंने सोचा इसके साथ ही पीस लेती हूँ। तो अदरक की स्लाइस को मैं थोड़ा छोटा छोटा करके इसमें डाल देती हूँ, ऐड करती हूँ। और इसमें अभी हम थोड़ा सा डालेंगे अजवाइन। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा अजवाइन लिया है, टेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है फ्रेंड्स अजवाइन का। ये देखिए मैंने हींग भी ले लिए थोड़ा सा, हींग का भी टेस्ट अच्छा होता है और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए, तो इसलिए मैंने थोड़ी हींग भी डाली है। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे तो हमारा अच्छे से ये पीस जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पालक मैंने ली थी, इसको भी हम जार में ट्रांसफ़र करेंगे और अच्छे से पीस लेंगे इसको भी। इसमें भी हम ये लहसुन मैंने निकाल के रखा था, ये ऐड करूँगी मैं। ये मैंने ले लिया है जिंजर, और ये चिलीज़ भी एक डाल दूंगी, आधी डालती हूँ मैं, नहीं तो बच्चे नहीं खाएंगे सुबह, थोड़ा ज़्यादा तीखा हो जाएगा। और इसको मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और फिर पीसूंगी। तो देखिए ये अजवाइन है फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा ही अजवाइन भी डालूंगी क्योंकि उसकी महक बहुत अच्छी लगती है पराठे में। और इसको अभी हम कर ले पीस लेंगे अच्छे से मिक्सर में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बन गया है बिल्कुल पेस्ट, कितना फाइन पेस्ट बना है। अभी इसको भी हम बाउल में एक ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर हम बनाते हैं इसका आटा सबका अलग अलग, और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैं बना रही हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आधा चम्मच नमक लिया है और थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून तेल थोड़ा सा, तो इससे हमारा ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो इसमें फ्रेंड्स हम थोड़ा सा बेसन ले लेंगे, अप्रॉक्स 1/4 जितना मैंने आटा लिया है उसका ही 1/4 हम ले लेंगे बेसन, और उसको हम सारा मिक्स कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि जो भी मैंने वो बनाया है पेस्ट बनाया है उसमें तो हमने सब कुछ डाला हुआ है, अजवाइन, मिर्ची, अदरक, लहसुन और हींग भी डाला है मैंने, तो बस इसमें हमें वो बैटर ही मिक्स करना है और हमारा आटा बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। और पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस इसी आटे से ये जो मैंने पेस्ट तैयार किया है आप देख सकते हैं, ये जो मैंने पेस्ट तैयार किया है बस इसी पेस्ट से ही मैं ये आटे को पूरा गूंथ लूँगी। तो ये हमारा आप समझ सकते हैं कितना हेल्दी हमारी हेल्थ के लिए होगा क्योंकि नेचुरल सोर्स से आप भी समझते हैं कि कितना विटामिन, मिनरल्स, आयरन से भरपूर होता है। चुकंदर का तो हम लोग जूस भी पीते हैं, लेकिन बहुत लोग मतलब न्यू ईयर में माँ बेटी चैलेंज था, छवि ने भी बनाया था केक और मैंने भी बीट का केक बनाया, मैं बोली मेरा केक बहुत ही हेल्दी बनने वाला है, तो आप लोग ज़रूर वो वीडियो भी हमारा देखिएगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और माँ बेटी चैलेंज था, मतलब एक केक माँ ने बनाया, एक केक बेटी ने बनाया, लेकिन मेरा केक हेल्दी था, ये है क्योंकि मैंने सिर्फ बीट का, मतलब आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा आप लोगों को कि क्या था उसमें। और देखिए ये डो को हम थोड़ा जो है कड़क ही सानेंगे, बहुत सॉफ्ट नहीं करेंगे, तो इससे हमारा पराठा बहुत ही अच्छा बनेगा। देखिए मैं कितने अच्छे से मतलब हो गया, कलर तो आप देख सकते हैं, अभी इसकी पूरी मैं अभी अंश को सुबह जब मॉर्निंग में मैं कल टिफिन में यही देने वाली हूँ बच्चों को, और मैं आटा इसमें मतलब वीडियो सुबह पॉसिबल नहीं हो पाता कि मतलब वीडियो भी शूट करो, और जो है क्योंकि इतना सुबह जल्दी जल्दी रहता है, सुबह छवि को 6:30 पे ही स्कूल निकलना रहता है, उनका 6:50 पे प्रेयर होती है, तो इसलिए मैं मतलब रात में ही 5:00 पे तो उठती हूँ मैं, लेकिन सुबह वीडियो में नहीं लग पाते, फिर यही होता है फटाफट उनका टिफिन बनाने का, और कुछ ऐसा सोचती हूँ कि हेल्दी ही बना के दूँ टिफिन के लिए मैं। तो देखिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा मेरा आटा सॉफ्ट हो गया है, तो इसमें मैं थोड़ा सा और मिक्स कर लूँगी, बेसन ही ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आटा ले लिया है, अभी मैं पालक का बनाने जा रही हूँ, तो मैंने इसमें भी नमक स्वादानुसार डाल दिया है, जितना आपके यहाँ सब खाते हो कोई, और इसमें भी मैं थोड़ा सा बेसन ले रही हूँ, थोड़ा ही 1/3 जितना मैंने लिया था उतना ही मैं ले रही हूँ, मैंने कटोरी नहीं ली है मेजरमेंट के लिए, लेकिन 1/3 मतलब 1/4 है, 1/4 है, थोड़ा सा ले लिया है क्योंकि बेसन भी बहुत ही हेल्दी होता है, ये चने का बेसन है हमारा, तो बहुत ही टेस्टी होता है। और बस हमें अभी कुछ नहीं डालना, मैंने नमक डाल दिया है और बाकी सारा ये देखिए हमारा ये पेस्ट है जो मैंने पीस लिया था, अब इसको ये हम ऐड करेंगे इसमें, और पानी बिल्कुल भी मैं नहीं डालूंगी, सिर्फ इसी से मैं आटे को सानूंगी। थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं हमारा आटा गीला हो जाएगा, जैसा कि मेरा अभी बीट का आटा थोड़ा हो गया था तो मुझको उसको सूखा करना पड़ा। मैं भी दोनों को साथ में कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, और बढ़िया हमारी कलरफुल पूरियाँ तैयार हो जाएंगी। अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा उबाल भी सकते हैं इसको, जैसे पालक को भी बॉईल कर सकते हैं और बीट को भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन कच्चा भी हो तो पूरी तेल में तलने के बाद वैसे भी पक ही जाता है, तो कुछ वो नहीं है, बस ये है कि कच्चा रहने पे हमें थोड़ा उसको अच्छे से स्मूथ पीसना पड़ता है, एकदम मतलब उसमें जो गुठलियाँ छोटी छोटी हो जाती रहती हैं वो ना बचे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आटा बन गया है, कितना स्मूथ, कितना अच्छा आटा बना हुआ है, और कलर भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर लग रहा होगा, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, अभी आप इसकी पूड़ियाँ देखिएगा वो भी बहुत अच्छी बनेंगी। मैं भी थोड़ा सा आटा मैंने थोड़ा ज़्यादा वो किया है कि सुबह टिफिन में बच्चों को यही देने वाली हूँ मैं, तो ये आप अचार के साथ, हरी चटनी के साथ, या खजूर की चटनी हो, इमली की चटनी हो, और मैंने देखिए फ्रेंड्स इसमें जरा सा भी वो नहीं लगाया है, आटा नहीं लगाया है मैं,
मैंने, क्योंकि आटा लगाने से पहली बात तो हमारा तेल भी खराब हो जाता है, उसमें आटे वो होते हैं, और बिना मैंने आटे का ही परफ्यूम भी बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल भी थाली में आटा लिया भी नहीं है, और मैं कितनी अच्छी हमारी पूड़ियाँ बेल रही हैं बिल्कुल राउंड शेप में, और कलर अभी तो बच्चे देख के इतना खुश हो जाएंगे ना सुबह टिफिन में जब मैं दूंगी, तो आप देखिएगा कि बच्चे कितना एंजॉय करते हैं इन पूड़ियों को, और इतना खुश होते हैं वो लोग ना कि वाह मम्मी ये ग्रीन पूड़ी कैसे बनाई आपने, ये रेड देखिए मेरी पूड़ी कितनी अच्छी फूल गई है, पूरी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से, देखिए कितने अच्छे से मेरी पूड़ी पूरी फूली हुई है बिल्कुल, और बिल्कुल भी मैंने इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मैंने पैथन नहीं लिया है थाली में, और बिल्कुल भी बस मैंने थोड़ा सा घी लगाया है, मैंने ये कटोरी में थोड़ा सा घी ले लिया था, बस मैंने उसी घी से ही बेला है, और कितनी अच्छी हमारी पूड़ियाँ निकल रही हैं। तो ये देखिए मैंने सेकंड पूड़ी भी डाली है और कितना अच्छा लग रहा है, और ये पालक तो मतलब कितने आइस के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे, अगर किसी की आँख की चश्मा लगा हुआ है बच्चे नहीं खाते पालक साग वगैरह, तो आप ऐसे पूड़ियाँ बना के देंगे और ये चाय के साथ तो इतनी टेस्टी लगती है फ्रेंड्स कि आप सुबह नाश्ते के लिए फटाफट खाएंगे ना बनाएंगे, तो टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है, बस पेस्ट बनाया और फटाक से आटा गूंथी और बना लिया, और इतना टेस्टी है कि सिर्फ चाय से आपको सब्जी भी बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चाय से आप इसको सर्व कर सकते हैं, और देखिए फूली फूली पूड़ियाँ कितनी प्यारी लगती हैं। तो देखिए ये मैंने बीट का भी आटा ले लिया है, और मैंने पैथन बिल्कुल भी नहीं लगाया है आटा, बस मैंने थोड़ा सा घी लगाया है, और घी के ही उससे मैं बेल रही हूँ, और देखिएगा मेरी कितनी अच्छी पूड़ियाँ बन रही हैं, अभी आपको टेस्ट तो करा नहीं सकते हैं लेकिन बस आप लोग को मेरे ऊपर विश्वास करके एक बार ट्राई करना पड़ेगा, कि जो भी आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं वो लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और बच्चों को भी दीजिएगा, बच्चों को आप दीजिएगा, बच्चे इतने खुश हो जाएंगे ना कि कलरफुल, मतलब बच्चों को तो जानते हैं कि कलरफुल ही अच्छा लगता है, कुछ भी कलर रहता है तो, और ये कलर देख के तो बच्चे और भी खुश हो जाते हैं इंजॉय करते हैं। वाओ मम्मी कलरफुल पूरी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये टिफिन में नहीं देना है मुझे, क्यों नहीं ये अभी पापा के लिए सिर्फ मैं बना रही हूँ, नहीं मुझे टिफिन में चाहिए, मुझे टिफिन में चाहिए, क्या ये रेड और ग्रीन पूरी? हाँ अच्छा ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरी पूड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन, अगर आप ऐसे बच्चों को टिफिन में देंगे तो बच्चे कितना खुश हो जाएंगे, और उनको बहुत ही अच्छा लगेगा, और वो टिफिन पूरा अपना फिनिश करके आएंगे, और घर में आप सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं, तो आप लोग मेरी ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए, इसको आप सॉस के साथ चाय के साथ अचार के साथ या तो सूखी सब्जी भी बना के खा सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी है, तो आप लोग जरूर एक बार मेरी ये रेसिपी ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, और आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं लाइक करिएगा शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।